एक्सरसाइज 1.2, इसका पहले बेसिक देख लेते हैं। फाइनाइट सेट्स क्या होता है, इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है, इक्वल सेट्स क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, एम्प्टी सेट्स क्या होता है, सिंगलेटन सेट्स क्या होता है। फाइनाइट सेट क्या होता है, जो कि फाइनाइट हो, मतलब नाम से पता चल रहा है, जो कि हमें पता चल रहा है लिमिट में कितना है। जैसे अगर हम बोले फर्स्ट फाइव ऑड नंबर क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, पता है ना ये क्या है, तो ये फाइनाइट है। जैसे वॉवल AEIOU, ये भी पता चल रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब ये सब फाइनाइट है, कुछ आगे तक नहीं है, तो ये फाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट क्या होता है, जिसका कोई लिमिटेशन का पता नहीं, जैसे 1, 2, 3, 4, जहाँ भी ये 3 डॉट दिख जाए, समझ जाना वो इनफाइनाइट सेट्स है, ठीक है ना। कुछ भी हो, 2, 4, 6, ... इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट्स, जैसे ये है ABCD और इधर है BCDA, ये A इज इक्वल टू है और ये B इज इक्वल टू है, तो इक्वल सेट्स है या नहीं। इक्वल सेट्स है क्योंकि इसमें के एलिमेंट्स भी ABCD हैं और इसके एलिमेंट्स भी ABCD है, बस इनका ऑर्डर चेंज है। तो ऑर्डर चेंज होने से कोई मतलब नहीं होता है, मैंने आपको इंट्रो वीडियो में भी बता रखा है। दूसरा, इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, तो इक्वल सेट्स होता है, यानी A इक्वल B। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, अगर जैसे इसका रहा ABCD और B हुआ EFGH, इक्विवेलेंट है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ इक्वल होता है, इसके भी 4 हैं, इसके भी 4, ये हो गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, एम्प्टी सेट्स, जिसे नल सेट भी बोलते हैं, वर्ड सेट्स भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट्स क्या होता है, इसे ऐसे लिखते हैं बस, या फिर फाइव ग्रीक वर्ड है, बहुत सारे ग्रीक वर्ड होते हैं। एम्प्टी सेट नल सेट या वर्ड सेट इसे बोलते हैं। एम्प्टी सेट मतलब बिल्कुल खाली, अंदर कुछ भी ना हो। और ये सिग्नेटर सेट क्या होता है, जिसमें सिंगल हो, नाम से ही पता है सिंगल, 2, 5, 6, ये सब सिंगलटन सेट्स। अब एक्सरसाइज 1.2, मतलब ये देख लिया ना, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, इम्प्लिसिट सेट और सिंगलटन सेट, बस यही है। अब देखते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट जो भी हमने देखा था, एम्प्टी सेट कौन सा एग्जाम्पल है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, यही होता है ना ऑड नेचुरल नंबर, डिविजुअल बाई 2। तो हमें पता है यार, कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजुअल नहीं होगा, तो ये नल सेट हो जाएगा, है ना। क्या होगा, ये नल सेट हो जाएगा, यानी हो गया, यस नल सेट है ये। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स, इवन नंबर क्या होता है हमारा, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब इवन नंबर होता है ना, और इसमें इंक्लूड कर रहा है प्राइम नंबर, तो 2 सिर्फ इसमें प्राइम नंबर है, तो ये नल सेट नहीं होगा, ठीक है ना, ये नल सेट नहीं होगा और ये नल सेट होगा। x such that x is a natural numbers, x less than 5 and x greater than 7, मतलब नेचुरल नंबर है और x जो है वो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, ठीक है ना, 5 से छोटा 7 से बड़ा, तो 5 से जो छोटा नंबर होगा वो क्या होगा, 4, 3, 2, 1, यही होगा ना, और 7 से जो, और x से जो बड़ा है 7 तक, यानी 6, 7, कोई मैचिंग नहीं कर रहा है यार, यानी ये नल सेट होगा, ठीक है ना। 5 से बड़ा भी हो और 7 से छोटा, 5 से बड़ा भी हो और 7 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, मैचिंग नहीं करेगा तो नल सेट। वाई सच डैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन ले लिया। अब यार इसमें बोल रहा कोई ऐसा पॉइंट जो कि कॉमन हो, मतलब ही नहीं बनता, तो एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है ना, ये एम्प्टी सेट है, ये भी एम्प्टी सेट है, तो ये हो गया। पूछ रहा है कौन सा एम्प्टी सेट है, कौन सा नहीं, हमने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट इनफाइनाइट का भी हमने देख लिया अभी बेसिक में। दिस सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, हमें पता है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, यही सारा मंथ्स होता है ना भाई, और कहाँ तक होता है, दिसंबर तक, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 12 होते हैं, यानी हमें पता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फाइनाइट। 1, 2, 3 ये कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट।
अब ये देखो नेचुरल नंबर दे रखा है 1, 2, 3, 99, 100 तक, लेकिन ये भी पता है हमें लिमिट कहाँ तक, 100 तक, यानी ये भी पता है काउंटिंग, यानी ये हो जाएगा फाइनाइट। जो हमें पता चलता है नंबर ऑफ एलिमेंट वो फाइनाइट होता है, जो नहीं पता चलता वो इनफाइनाइट होते हैं। दिस सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ये बोल रहा है 100 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, ग्रेटर देन 100, तो यार 100 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर है, 101, 102, 103 कितना भी जा सकता है, कुछ वो ही नहीं है, तो इनफाइनाइट होएगा ये। दिस सेट ऑफ अ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, प्राइम नंबर होना चाहिए और लेस देन 99 से छोटा होना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होता है, 1 नहीं लिखना है क्योंकि ना इधर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना प्राइम होता ना कंपोजिट होता, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 5 ये सारे प्राइम नंबर होते हैं ना, और कहाँ तक जाएगा, 99 तक, लेस देन 99 से छोटा होना चाहिए, तो 99 से छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 97, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट हो गया। अब स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, फिर से पूछ रहा है इनफाइनाइट या फाइनाइट। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे ये एक्स एक्सिस है ना भाई, तो बोल रहा है सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल, इसके पैरेलल कितने लाइन हो सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है पता ना, और ये वाई एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में इनफाइनाइट लाइन हो सकते हैं। सेकेंड, दिस सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने होते हैं, ए बी सी डी ई, उस तरह करते करते टोटल जेड, यानी 26 नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें हमें पता है कि हो जाएगा फाइनाइट। दिस सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल में कौन कौन सा नंबर होता है, 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये कोई लिमिट ही नहीं है, इनफाइनाइट, कुछ पता ही नहीं कहाँ तक जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। दिस सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, दिस सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, इस अर्थ पे लिविंग एनिमल्स कितने हैं, तो इसमें सब मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे, सारे इनफाइनाइट मेंशन कर देंगे, यार हमें नहीं पता, आपको नहीं पता कि कितने एनिमल्स लिविंग है, बट अगर हम गूगल पे चेक करते किसी भी मतलब साइट से पता करते हैं तो ये हमें पता चल जाएगा, तो इसलिए ये होएगा फाइनाइट, ठीक है ना, कौन कौन से लिविंग एनिमल्स हैं हमें पता चल जाएगा कहीं से भी अगर हम जानना चाहें तो। दिस सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन ओ, ठीक है ना, जैसे ये कोई भी एक ओरिजिन है, यहाँ से कितने सर्कल पास होंगे, इसका भी कोई लिमिट नहीं है भाई, तो कितने भी हो सकते हैं, तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, अब हमें बताना है कि कौन इक्वल है कौन नहीं, ये भी हमने कर रखा है। तो देखो ए का क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 4 है, बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 4 है, और दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू बी। सेकेंड, 4 ए इक्वल टू 4, 8, 12, 16, बी इक्वल टू 8, 4, 16, 18, भाई डिफर आ गया, देख लो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है 4 और 4, लेकिन सेम एलिमेंट्स नहीं है, इसमें 18 है इसमें 18 नहीं है, तो ये ए नॉट इक्वल टू बी हो गया। अब देखो ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, अब बी क्या बोल रहा है, x such that x is a positive even integer less than equal to 10, मतलब b is equal to लिख सकते हैं ना, एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, यानी 2, 4, 6, 8, 10 यही है ना, इवन यही होता है ना, और पॉजिटिव है, लेस देन इक्वल टू 10, यानी 10 से छोटा है और 10 का इक्वल में, तो हो गया, तो देख रहे हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट और दोनों सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और सेम एलिमेंट्स हैं, तो इक्वल टू बी हो गया। लास्ट, x सच डेट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, और ये क्या है b, 10, 15, 20, तो मल्टीपल ऑफ 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10, 20, 30, 40, यार ये सेम नहीं हो रहा है, ये 10, 20, 30, इसमें 10, 15 भी ऐड है, 15 इसमें नहीं है, तो ये a नॉट इक्वल टू b हो गया। ये अभी तक हमने देख लिया फोर्थ क्वेश्चन, अब दो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।